हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी। आप छत्तीसगढ़ के आपके घोषणा पत्र को समग्रता से किस प्रकार बताएंगे? छत्तीसगढ़ के यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, खास करके हमारे जो किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, इन सारे लोगों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ हमारे आने वाले समय में जब 25 वर्ष का हो तो कैसा एक छत्तीसगढ़ बने जो आत्मनिर्भरता की ओर, हमारा सशक्त छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ बन सके, इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाना, उनसे चर्चा करना, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो आगे क्या चाहते हैं, इन सारी बातों का उनसे बातचीत करने के बाद में इसमें हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें हमने डाला है। और एक ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य का हम निर्माण चाहते हैं जिसकी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया और जो कल्पना यहाँ के महापुरुषों की रही है, यहाँ के हमारे प्रमुख लोगों के रही है, उसके अनुसार से छत्तीसगढ़ का विकास हम चाहते हैं। मोदी जी ने कल कहा था जिन आदिवासी बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी उनके हाथ में किसी ने बंदूक थमा दी। क्या आपका घोषणा पत्र इतना काबिल है कि ऐसी सरकार को, जो उन्हें क्रांति दिखती है, ऐसी सरकार को निपटा करके फिर से भारतीय जनता पार्टी चौथी बार बहुमत से सत्ता बनाए ऐतिहासिक जीत के साथ? आप देख रहे हैं कि हमारे जिस प्रकार से एकलव्य विद्यालय और हॉस्टल हमारे छात्रावास जो खोल रहे हैं, हम उस दिशा में उनको ले जा रहे हैं कि छात्रों के हाथ में बंदूक नहीं, नौजवानों के हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि नौजवानों के हाथ में केवल कलम ही नहीं बल्कि कंप्यूटर हो, उनके हाथ में मोबाइल हो, और आने वाले समय में रोजगार के दिशा में हम उनको शिक्षा के साथ में कैसे हम जोड़ सकें कि जिससे ये मजबूरी उनके सामने में रह रहे कि हम मजबूरी में बंदूक उठाएं, उस दिशा में उनको ले जाने का प्रयास छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे साथ मौजूद है धर्मलाल कौशिक जी, जिनका कहना था कि छत्तीसगढ़ एक नवा छत्तीसगढ़ बनेगा, ऐसा छत्तीसगढ़ जिसमें समग्र विकास की बात की गई। कैमरामैन संतोष महानंद के साथ मैं सारंग।